हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं लता और आप देख रहे हैं द रावत फैमिली व्लॉग्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करी है मॉर्निंग से, तो यहां मॉर्निंग में मैंने कपड़े जल्दी भिगा देते सर्फ में सारे। देखो एक बाल्टी कपड़े हो चुके हैं, तो मैंने चलो आपके साथ हर चीज़ शेयर करी है। मैं तो आज आपके साथ अपने जिमें किस तरीके से कपड़े, हर सब लोग इसी तरीके से कपड़े धोते हैं। मैंने काफ़ी फ्रेंड्स को देखा कि वो कपड़े वॉश करना भी शेयर करते, तो मैंने चलो आपके साथ मैं भी ये शेयर कर देती हूँ। तो बस ये आज आपके साथ ये यहाँ से ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो आप तो मैं यहाँ पे मेरे कपड़े बस धुल चुके थे, अब मैं खंगालना स्टार्ट कर रही हूँ और मैं नहाई नहीं हूँ, तो इसके बाद ही मैं नहाऊँगी। कपड़े गीले हो जाते हैं ना, तो बस यहाँ कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अपना घर का रूटीन, ना किचन रूटीन, ना बाकी कुछ और रूटीन दिखाया। आज मैंने दिखाया कि मैं किस तरीके से कपड़े धोती हूँ। आज हैंड वॉश, हाथ से कपड़े धोए मैंने, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। जो डेली वेज के कपड़े होते हैं उनको तो हाथ से ही धोती हूँ, और जैसे चादर वगैरह हो, जब तक भारी कपड़े हो जो, वो वॉशिंग मशीन में डाल देती, तो मैं इस तरीके से ही धोती। पहले सर्फ में भिगा देती हूँ उनको आधा घंटा, और उसके बाद फिर मैं धो लेती हूँ। तो आधा घंटा मैंने मॉर्निंग में, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, नहाने अब जाऊँगी। जब तक इसके पानी अच्छी तरह निथर जाएगा, फिर मैं ऊपर कब छत पे सुखा के आऊँगी सारे कपड़े। और बाकी कमरों का सारा काम हो चुका है मैंने, तो अब नहाने जाऊँगी मैं, क्योंकि कपड़े अपने देखो सब गीले हो चुके हैं मेरे, ये सब गीले हो चुके हैं मेरे, तो मैं नहाई भी नहीं थी। मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, बस मैं और केशव के पापा बच्चे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और कार्तिक की छुट्टी आज, उसका पता कुछ ऑनलाइन कुछ है तो उस वजह से आज छुट्टी है। केशव स्कूल चला गया है और मम्मी पापा भी कुछ काम से गए हुए हैं, मम्मी जी रेस्ट कर रहे हैं। बाकी सब कमरों का काम हो चुका है और कपड़े भी मेरे वॉश हो गए। मैंने आज आपके साथ शेयर करा, तो ज़रूर बताना कैसी लगी। मैं आपको नहा के आती हूँ, वरना फिर मेरे हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तब मैं आपको मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो पूजा वगैरह मेरी सब कुछ हो चुकी है और नहा भी चुकी थी मैं। मैंने कहा चलो बाद में जब कपड़े वगैरह सुखाऊंगी तभी मिलूँगी। और पूजा वगैरह मैंने कर ली है, और आज का वेदर देख रहे हो, क्यों खड़ी हूँ छाँव में, आज का वेदर हो रखा है, बहुत धूप हो रखी है। देखो कितनी धूप हो रखी है, बहुत धूप। जैसे होती है ना ठंड के टाइम पे जब बारिश होती है, मतलब ठंड के बाद जो धूप निकलती है खिली खिली, वैसी धूप निकली हुई है, और गर्मी हो रही है। चलो फिर मैं कपड़े सुखाती हूँ फटाफट। यहाँ थोड़ा शांति मिली है, वरना धूप बहुत तेज़ हो रही है, कभी छाँव कभी धूप ऐसी हो रहा है, तो आज का वेदर तो धूप वाला हो रखा है। तो इसी के साथ व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगी। आज मैंने सिर्फ आपके साथ वही शेयर किया कि मैं किस तरीके से, मतलब अपने मतलब मैंने ये शेयर किया कि मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोती हूँ, हाथ से भी धोती हूँ। तो वही शेयर किया आज कि मैं हाथ से किस तरीके से धोती हूँ। बस बड़े बड़े भारी भारी कपड़े होते हैं वो मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, और बाकी जिस दिन वॉशिंग मशीन चलाऊँ तो ये छोटे कपड़े भी डाल देती हूँ। पर अगर आगे चद्दर वद्दर नहीं है तो फिर मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, पहले सर्फ में भिगा देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही बने रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए, और ऐसी प्यार बनाए और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।